हेलो, आज हम लोग आप लोग मैं आपको दैट इज द चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक क्लियर करते हैं बेटा, कि दैट इज द कि डीएनए जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म दैट इज द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल जो हमें जनरली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो एक क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर मीन्स बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है। ये एक्चुअली एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, दैट इज दी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठे होके क्या बनता है, दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इट मीन्स दैट हम ऐसा बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितने न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होंगे, ठीक है, उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किसके ऊपर बेसिस है, दैट इज द बेस पेयर। हम लोगों ने आपको बताया था बेस पेयर क्या होता है, वन बेस पेयर इज ए टी, ये एक बेस पेयर हुआ, सी जी ये सेकेंड बेस पेयर हुआ। ठीक है, तो ए टी इज द वन बेस पेयर, सेकेंड इज द सी और जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना न्यूक्लियोटाइड होता है और बेस पेयर होता है, उसके हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसका किसका डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए का डिटरमाइन करते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए। तो हमें कोई भी डीएनए का लेंथ पता लगाना है, तो हमें ये देखना है कितने बेस पेयर्स होते हैं उसमें, उसके हिसाब से हम लोग डीएनए का लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दैट इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो ई कोलाई में है 4.6 × 10^6 बेस पेयर। ठीक है, फिर आता है दूसरा आता है दैट इज द बैक्टेरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में कितना होता है, दैट इज द 5386 बेस पेयर। ओके, फिर हमारे में दैट इज द ह्यूमन बींग्स में हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द, आपको ये याद रखना, 3.3 × 10^9 बेस पेयर। ओके, तो हमें ये कंटिन्यूअसली देखने को, ये अलग अलग बेस पेयर्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं दैट इज दी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मैनी, पॉली न्यूक्लियोटाइड इट मीन्स दैट हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द डीएनए वेदर आरएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए हम लोग उसको बोलते हैं। तो हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो जो न्यूक्लियोटाइड वर्ड हम लोगों ने बोला है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ दैट इज नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस बेस। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 में भी पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजीनस बेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजीनस बेस प्लस दैट इज द पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर, और दूसरा आता है दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। इसके कंपोजिशन से एक न्यूक्लियोटाइड चेन हम लोगों को मिलता है। तो ये जो पेंटोस शुगर होता है, वो जनरली टू टाइप्स का हमें देखने को मिलता है, आरएनए में अलग पेंटोस शुगर होगा और डीएनए में अलग पेंटोस शुगर होगा। आरएनए में हमें कौन सा देखने को मिलेगा, दैट इज द राइबोस शुगर देखने को मिलता है, और डीएनए में हमें देखने को मिलता है दैट इज द डी ऑक्सी राइबोस। ओके, ये पेंटोस शुगर का था। नाइट्रोजिनस बेस जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो हमें मेजरली टू टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज फर्स्ट इज प्यूरिन्स एंड द सेकेंड वन इज दी पिरिमिडिन्स। ओके, पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स के अंदर कौन आ रहा है, दैट इज फर्स्ट इज एडिनाइन। ओके, एंड द सेकेंड वन इज दी गुआनिन। ये हम लोगों को बेसिस देखने को मिलते हैं प्यूरिन के अंदर, और पिरिमिडिन के अंदर आता है दैट इज साइटोसिन, ठीक है, यूरासिन एंड थायमिन। ओके,
तो ये हमें देखने को नाइट्रोजिनस बेस में, तो ये इसके कंपोजिशन है। ओके, अब ध्यान से समझना, ये जो आरएनए है, जो थाइमिन है, साइटोसिन पिरिमिडिन में जो साइटोसिन है वो आरएनए और डीएनए दोनों में देखने को मिलता है, वेरस जो थाइमिन है वो डीएनए में। तो हमें थाइमिन डीएनए में देखने को मिलेगा, यूरासिल नहीं देखने को मिलेगा, यूरासिल हमें आरएनए में देखने को मिलता है। ओके, समझ में आया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन हम लोगों ने बोला, इट इज अ पॉलीनिक पॉलीमर है, जो तो बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड को इकट्ठे होता है तब जाके वो बनाता है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। और सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होते हैं तब जाके क्या बनाते हैं, दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम लोगों को दैट इज नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस, दैट इज दी एडिनाइन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन एंड यूरासिल देखने को मिलता है। और दूसरा आता है दैट इज द अपना शुगर, उसको हम राइबो शुगर नहीं, दैट इज द पेंटो शुगर जो हमें देखने को मिल रहा है, पेंटो शुगर। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ न्यूक्लियोसाइड, वेयर एज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटो शुगर और प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तब जाके हमारा एक न्यूक्लियोटाइड चेन रेडी होता है और उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। ठीक है, क्लियर मैडम? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जो फॉर्म्ड होता है वो है नाइट्रोजिनस बेस विच इज लिंक्ड टू दी पेंटोस शुगर विच। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है और ये शुगर है, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज दी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जो शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं दैट इज दी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जब कोई, हम लोगों ने जो सारे बेसिस पढ़े थे, जो एडिनाइन है, ओके, जब ये एडिनाइन यानी कि ये बेस जब किसके साथ लिंक होगा, शुगर के साथ, पर कौन सा शुगर, सपोज राइबोस शुगर। राइबोस शुगर किसमें होता है, आरएनए में। तब इसको मैं, इस एडिनाइन को मैं ऐसा बोलूंगी कि ये है एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन बोला जाता है। जब यही एडिनाइन डी ऑक्सीराइबोस यानी कि दैट इज द डीएनए में जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डी ऑक्सी एडिनोसिन। सिमिलरली एडिनाइन की जगह मैं सपोज यहां पे लिखती हूँ दैट इज द गुआनिन। ठीक है, तो यहां पे राइबोस शुगर के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज दी गुआनोसिन गुआनोसिन। और यहां पे भी यही सेम आएगा गुआनिन, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज दी डीऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है, तो इसी तरह से सारे बेसिस को हम लोग सारे बेसिस को अलग अलग स्पेल आउट करते हैं फॉर द आरएनए एंड द डीएनए ग्रुप। अब हम लोग थोड़ा इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके, पेंटो शुगर के बारे में पढ़ लिया। अब आता है दैट इज द अपना फॉस्फेट ग्रुप, ये कहाँ पे बैठा है इस न्यूक्लियोटाइड में, ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ये प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन है, हमें पता है कि ये इस तरह से, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का है जो एंटी पैरेलल है, 5' 3' 3' 5' इस तरह से होता है। ओके, हमेशा ये सपोज्ड, ये जो मैंने बनाया ना बेटा, ध्यान से, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, ये मैंने दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया, इसलिए उसको डाई न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं डीएनए को। एक न्यूक्लियोटाइड में 5' 3', सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में 3' एंड 5' एंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो 5' एंड 3' है, हमेशा 5' एंड जो होता है वहां पे हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप ही लगा रहता है। 5' में हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3' में हमेशा OH ग्रुप होता है, 3' में हमेशा OH ग्रुप होता है। जब ये फॉस्फेट इस 5' एंड में लगता है तो यहाँ पे एक लिंकेज है, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दैट इज द फॉस्फोएस्टर लिंकेज, हम इसको इस तरह से बोलते हैं। अब ये जो फॉस्फेट, ये जो 5' में लगा है, ये 5' इस 3' से ऐड होता है, इसके बीच का ये जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं
फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है फॉस्फो एस्टर, जो 5' में फॉस्फेट लगता है वो है फॉस्फो एस्टर लिंकेज। जब ये फॉस्फेट इस 3' से लगता है वो होता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर, समझ में आया? तो द न्यूक्लियोटाइड्स व्हेन लिंक्ड थ्रू द 3' टू 5', दे आर नोन एज दी फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, तो इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, हमेशा हम लोगों ने देखा है जो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाती हूँ, तो ये है 5', ये है 3', ठीक है। जो वन एंड ऑफ द फ्री फॉस्फेट ग्रुप मॉइटी का मीनिंग है, कहीं पे भी आप लोग बुक में मॉइटी होता है, दैट इज द ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप जो मुझे राइबोस शुगर यानी आरएनए में, तो उसको हम लोग बोलते हैं 5'। जहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप देंगे उसको मैं 5' बोल दूंगी। जहां पे भी मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप मिलता है उसको मैं बोल दूंगी 3'। तो इन शॉर्ट जो मेरा ये जो डीएनए है वो क्या होता है, उसका जो बैकबोन, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा नीट में पूछते हैं बैकबोन ऑफ द डीएनए इज मेडअप ऑफ वॉट, इट इज मेडअप ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट। तो हमेशा शुगर यानी राइबोस या डीऑक्सी, तो शुगर और फॉस्फेट हमेशा पीछे रहते हैं और आगे की तरह हम लोगों को नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें फ्रंट साइड में बीच में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेस और बैकबोन में कौन है, शुगर एंड द फॉस्फेट है। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप और इस तरह से ये प्रेजेंट है। अब सेकेंड हमारा जो टॉपिक आता है कि बहुत सारे डीएनए में अलग अलग साइंटिस्ट आके बहुत सारी चीजें बोल के गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से डीएनए का अलग अलग कंपोजिशन है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया था, दैट इज फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है। कब आया था? 1869 में। उसने डीएनए को ये देख के बोला कि जो डीएनए है वो एक एसिडिक है। उसने जब सेल का न्यूक्लियस निकाला तो उसने ये बोला कि ये जो डीएनए है वो क्या है, दैट इज द उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसने क्या बोल के गया, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर और इसलिए इसको हम लोगों ने क्या वर्ड बोल दिया है, दैट इज द न्यूक्लियन, ठीक है। बाद में ये न्यूक्लिन नाम हम लोगों को जानने में आया कि ये न्यूक्लिक एसिड है, उसे रीनेम कर दिया। न्यूक्लिन पहले बोलते थे, अभी हम न्यूक्लिक एसिड वर्ड यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड है ड्यू टू द एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये जो न्यूक्लिक एसिड वर्ड जो बोला था, न्यूक्लिन किसने दिया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ओके। और जो न्यूक्लिक एसिड वर्ड कौन साइंटिस्ट बोल के गया था, एल्टमन, ओके, एल्टमन 1899 में ये बोल के गया था, ठीक है। अब आता है सेकेंड साइंटिस्ट, लिविन करके आया था, ओके, वो 1910 में। उसने ये देखा कि जो डीएनए है उसके अंदर क्या है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप है, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट है, ओके। और कौन सा है, शुगर भी है, कौन सा शुगर, दैट इज द डी ऑक्सी राइबोज शुगर भी प्रेजेंट है, 1910 में इसने बोला, ठीक है। और दूसरा, फोर टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स ए टी सी एंड जी, ये बेसिस भी उसको बहुत सारे देखने को मिले थे, ये लिविन ने बोल के गया, ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा नीट इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो बोला गया था, एक साइंटिस्ट आया था, वो साइंटिस्ट का नाम है इरविन चारगफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। इरविन चारगफ 1950 में आया और उसने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली, बेसिस जो बेस थे ना, कौन से बेस, ATCG, ठीक है। उसने ऐसे कंपोजिशंस करके उसने क्या रूल एक बना दिया, दैट इज उसको नाम दे दिया उस फॉर्मूले को, दैट इज द चारगफ रूल। उसने ये बताया कि जो डबल स्टैंड, हम ले हमेशा डबल स्टैंड के लिए डीएस लिखते हैं, तो जो डीएनए का डबल स्टैंड है, जो जितना ए होगा
और टी होगा उसका रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऐसा उसने बोल दिया। तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, है ना। तो ये चार का फूल बता के गया था, समझ में आया। इसी चार का फूल के हिसाब से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करती हूँ, तो आपको और थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें बोला हुआ है, ये क्वेश्चन आप समझना, क्वेश्चन ये बोला है इफ द बेस, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज इफ द बेस, कौन सा बेस, एडिनाइन, ठीक है। इफ द बेस एडिनाइन कंस्टिट्यूट 31% ऑफ एन आइसोलेटेड डीएनए, डीएनए में से मैंने देखा कि एडिनाइन कितना है, 31% है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन का कितना परसेंटेज होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अप्लाई चारगाफ रूल क्या था बेटा, ए प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस जी था ये। अब ध्यान से समझना, जितना एडिनाइन होगा उतना कितना होगा, थायमिन होगा। यदि एडिनाइन 31% है तो थायमिन भी कितना हुआ, 31% ही होगा, क्लियर। तो 31 कितना हुआ, दैट इज द 62% हो गया। तो सीजी कितना होगा, 100 में से 62 क्या है, 80 है, तो बाकी कितना बचा, 83, तो वो क्या बन गया, 38% बाकी रहता है। तो 38% क्या हो गया, सी प्लस जी कितना हो गया मेरा, 38%। क्वेश्चन क्या पूछा है, साइटोसिन ने कितने परसेंटेज कवर किया है, तो सी प्लस जी मिलके 38 बनाते हैं, तो सी कितना होगा बेटा, दैट इज द सी कितना होगा, दैट इज द 19%। तो हमारा आंसर क्या आता है कि साइटोसिन कंपोज्ड ऑफ, दैट इज द हाउ मेनी, 19%, क्लियर। सिमिलरली एक और मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ऐसा क्वेश्चन बोला हुआ है कि इफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए, इफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए इज 20% साइटोसिन, साइटोसिन कितना है, 20% है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडिनाइन, ओके। जितना ए होगा उतना क्या होगा, टी होगा, जितना सी होगा उतना जी भी होगा। साइटोसिन दिया है 20%, तो गुआनिन भी कितना होगा, 20%, दैट इज द 40%, ये कितना हो गया, 60%, तो एडिनाइन कितना हो गया, दैट इज द 30%, क्लियर। अगेन ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा थोड़ा सा इसे आगे स्टेप में हम लोग जाते हैं और उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज एक हमें क्वेश्चन दिया है, हाँ, एक डीएनए सेगमेंट है, डायरेक्ट सेगमेंट की ही बात कर दी है उसने, ठीक है। उस सेगमेंट के अंदर कितने 1000 न्यूक्लियोटाइड, मैं न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलती थी बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स को मैं क्या बोलती थी, बेस पेयर, है ना, न्यूक्लियोटाइड को, दैट इज द बेस पेयर। 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है, आउट ऑफ इस 1000 में से 240 ऑफ देम आर एडिनाइन, ओके, टू ऑफ देम, 240 इज द एडिनाइन। हाउ मेनी पिरिमिडिन, पिरिमिडिन क्या था, पिरिमिडिन डीएनए सेगमेंट की बात करिए तो सी और टी, सी यू नहीं होगा, साइटोसिन और थायमिन कितना है, ठीक है, उन्होंने ये बात बताई है, समझ में आया। तो साइटोसिन कितना है और थायमिन कितना है, हाउ मेनी पिरिमिडिन बेसिस दिस डीएनए सेगमेंट पॉजिसिस। अब हमें चार का फूल अपना, ठीक है, ए टी सी एंड जी, क्लियर। ए कितना था, 240, ऑफ कोर्स, तो थायमिन भी कितना होगा, 240, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, 240 कितना हो गया, क्लियर, 480 हो गया, समझ में आ गया, 480 हो गया, 1000 थे, अब 1000 में से मुझे क्या करना है, 1000 बेस पेयर थे, उसमें से 480, तो 80 ने कवर कर लिया, ठीक है, तो 520 क्या है मेरे, सी प्लस जी क्या है मेरा, 520। पर मुझे क्या पूछा है, सी पूछा है, टी तो मैंने कर दिया, टी कितना था, 240, सी कितना होगा, डिवाइड बाय 2, है ना, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 260,
समझ में आया? तो 260 क्या है, दैट इज द साइटोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल पिरिमिडिन बेसिस इतना कंपोस्ट करता है, समझ में आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते कि ग्वानिन भी 260 है और साइटोसिन भी 260 है। तो एट लास्ट मेरा आंसर क्या मिलता है कि साइटोसिन 260 है और थायमिन क्या है, दैट इज द 240। ओके, समझ में आया चार का फूल कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सॉरी टॉपिक आता है, दैट इज दूसरा साइंटिस्ट आया था चार्गफ के बाद आया था, दैट इज वाटसन एंड क्रिक। दूसरे आया था वाटसन एंड क्रिक, इसलिए इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। कब आया था, 1953 में। उसने ये प्रपोज करा था कि भाई कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो इतना बता के गया था। तो इससे ये क्या बताया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। ये वाटसन एंड क्रिक बोल के गया था, ठीक है। उस टाइम पे उसे ये सब पता चला ये डबल हेलिक्स है। दूसरे भी साइंटिस्ट थे, कौन से थी, दैट इज मॉरिस विल्किंस, ओके, एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन तो ऑफ भी हो गई थी उसी टाइम पे, क्योंकि उसने क्या करा था, सेल के अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड करा, तो एक्सरे की वजह से उसकी आंखें खराब हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ही हाई वेवलेंथ का रेडिएशन आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे एक्सरे डिफ्रैक्शन करके उसने ये बता दिया था उसी सेम ईयर में कि डीएनए क्या है, दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ओके। अब यहां पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है। इससे ये एक्सरे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये बताता है कि जितने बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में होता है तो सामने वाला वैसा ही होगा। ए के साथ हमेशा टी ही लगने वाला है, जी के साथ हमेशा सी ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड कंपोज होता है तो सेम ये न्यूक्लियोटाइड भी वैसा ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का मीनिंग होता है कि उसके साथ जो ये न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ वैसा ही लगना शुरू होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इट मींस दैट द बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, सो सिमिलरली अदर सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन। हम लोग इजीली प्रिडिक्टेड कर सकते हैं कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि ए के साथ हमेशा टी ही लगता है, ठीक है। तो फॉर द ईच स्ट्रैंड ऑफ द, जो हम लोगों को पता है ये क्या था, टेम्पलेट डीएनए पेरेंट, ये कॉज क्या करता है कि ये पेरेंट्रल डीएनए कॉज कर रहा है। पेरेंट्रल डीएनए का मीनिंग ये है कि किस तरह से ये सेपरेट होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेम्पलेट और इसके साथ जो लग रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। ये है टेम्पलेट तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपोज्ड होने शुरू हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है कि ये हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया कि ये आइडेंटिकल होता है, यानी कि ये जो पेरेंट के साथ, तो हम लोगों ने उसको बोला है टेम्पलेट डीएनए, और उसके साथ जो होता है एक ही जैसा लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए, ठीक है। अब आता है वाटसन क्रिक मॉडल ने ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था उसको अलग बहुत ही ज्यादा डीपली उसने पढ़ के उसको समझाया कि किस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टी कंपोज होते, उसके साइलेंट फीचर्स बताए। फर्स्ट फीचर ये बताया कि जो डीएनए होता है वो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, और जो उसका जो बैकबोन होता है, ये साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए आपको याद रखना है, जो उसका बैकबोन है मैंने आपको बताया किससे बना है, शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है, ठीक है। वाइल जो नाइट्रोजीनस बेस है, जो नाइट्रोजीनस बेसिस है वो क्या है, वो बीच में अंदर, यानी इट इज प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, बीच में फंसे हुए हैं, पीछे कौन है, दैट इज द शुगर एंड फॉस्फेट। सेकेंड साइलेंट फीचर बोला है कि उसमें दो चेन्स है,
ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये अनदर न्यूक्लियोटाइड जो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल यानी ये 5 प्राइम तो ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम। तो हम लोगों ने ऐसा बोला है कि ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी पॉजेस करता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी पॉजेस करता है। वन चेन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, एंड द अनदर वन इज द 5 प्राइम टू द 3 प्राइम। दिस इज द सेकेंड फीचर। ओके, नाउ थर्ड फीचर इज कि जो बेसिस होते हैं, जो हम लोगों ने बोला है ए टी सी और जी, इसके बीच में क्या होता है, ए टी हमेशा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये लोग बॉन्ड करते हैं, ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मींस एडिनाइन इज बॉन्डेड विद थायमिन ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड, ये अपोजिट स्ट्रैंड हो गया, ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ, ओके, विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड गुआनिन इज बॉन्डेड विद द साइटोसिन ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इट मींस दैट हम ऐसा बोलेंगे कि प्यूरिन बॉन्ड विद द पिरिमिडिन ऑलवेज, जिससे क्या होता है वो मेंटेन करता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस, कि एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए हर एक दोनों स्ट्रैंड के बीच में। तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस कौन मेंटेन करता है, वो बेसिस और हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। ओके, द फोर्थ फीचर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो फोर्थ फीचर्स है कि जो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो हमेशा कॉइल्ड यानी इज मुड़ाव, जो कॉइल होते हैं इन अ राइट हैंडेड फैशन। व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंडेड, देखो यहां से इसके बीच में ये राइट एंगल दिखा 90 डिग्री, इसके बीच में भी ये राइट एंगल दिखा, तो ये हमेशा क्या है राइट हैंडेड फैशन की तरह से ये घुमावदार रहता है। ओके, और पिच ऑफ द हेलिक्स इज, व्हाट डू मीन बाय द पिच ऑफ द हेलिक्स, सपोज मैं एक डीएनए स्ट्रक्चर आपको बताती हूं इस तरह से, ठीक है, ओके, तो ये एक हुआ है हेलिक्स और ये एक हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है यहां पे, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस बोला हुआ है वो है 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.4 × 10⁻¹⁹ लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये पिच ऑफ द हेलिक्स इज ऑलवेज 3.4 nm। ओके, अब जो इसमें क्या होगा, ये बेस पेयर लगे ए टी सी, ओके, फिर से ये ए टी, इस तरह से ये बेस पेयर लगे हुए हैं, तो नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न इज 10, यानी इसमें 10 ऐसे, तो ओके, तो हर एक बेस पेयर के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ओके, यहां पे आ जाता है जैसे जी और सी, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34, याद रखना nm, यानी 10⁻¹⁹। दो बेस पेयर के बीच के गैप को है 0.34, पीच का जो है एक राउंड लेता है वो है 3.4 nm। ओके, समझ में आया। नाउ जो बेस पेयर होता है, अब यहां से टर्न हुआ तो एक ऐसा भी हो सकता है ना, एक बेस पर दूसरे बेस की पैर के ऊपर ओवर स्टैक हो गया, स्टैक यानी चढ़ गया, ऊपर बैठ गया, तो ओवर स्टैक होने की वजह से वो हेलिकल क्या होता है, स्टेबिलिटी देता है, इट प्रोवाइड्स दिस स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। जब एक बेस पैर दूसरे बेस पैर के ऊपर स्टैक्स हो जाते हैं, स्टैक ओवर, इट गिव्स दी स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एच बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज यहां पे हम लोगों ने जैसे बोला है तो वैसे ही हमने उसको कैलकुलेट किया है कि ई कोलाई का जो लेंथ ऑफ द डीएनए होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो 1.36 nm, यानी आप खुद आप सोच लो ये 3.4 है तो ये यहाँ पे कितना इससे भी छोटा होगा, 1.36 nm, ये कॉस्ट सॉरी 1.36 nm नहीं, mm, 10⁻³, ये 10⁻⁹ है, तो इससे भी बड़ा ये कॉस्ट इसमें प्रेजेंट होता है ई कोलाई में। ओके, एंड सिमिलरली ह्यूमन में हम लोग जो यूकैरियोट्स में आते हैं उसमें हमारे में होता है 2.2 मीटर। ओके, तो ये आप लोगों को ये याद रखना है
तो मैं आपको आज का टॉपिक यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। तो प्लीज आप लोग ये क्वेश्चंस करना, मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। तो प्लीज लिंक को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।